मतलब चलाइए, हम इस देश के लिए कहा करते हैं, तुमने ज़रूर सुना होगा ये चीज़ कि इस देश में पिज़्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट में हो जाती है, लेकिन एम्बुलेंस का कोई पता नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा वाला स्कूटी पे है, एम्बुलेंस ट्रक के साइज़ का होता है। एक जो बढ़िया चीज़ हुई ना पैंडेमिक की वजह से, जो मेरे को लगता है कि सड़कें थोड़े दिनों के लिए ऐसे सुकून भरी हो गई थी, नहीं आराम से गाड़ी चला लो, खाली जोमेटो वाले दिख रहे हैं बेचारे, उनको राहत नहीं है। नहीं तो पहले कितना ख़राब था यार अपना ट्रैफिक इतना गंदा है कि गांधी जी को जिंदा कर दो ना ला के, तो वो दो लोग को झापड़ मार देंगे। आई क्विट अहिंसा, बहुत चूतिए लोग हैं, वैष्णव जन तो पेले पड़िए। अपडेटेड टैगलाइन एसएसटी बुक में अपडेट कर दो सारे के सारे। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था यार कि देश में इतनी सारी गंदी चीज़ें हो रही हैं, किसान परेशान है, जनता जाग क्यों नहीं रही है? क्योंकि जनता ट्रैफिक में फंसी है। ठीक है, जनता को खाली सड़क दो, दो दो दिन में इंसाफ मिलेगा सबको, परेशान है जनता यार। और तुमने देखा है ट्रैफिक जैम में, किसी भी ट्रैफिक जैम में देर आर ऑलवेज सम व्हीकल्स, स्पेशली कार वाले, हु आर कॉन्स्टेंटली हॉन्किंग। पूरा दुनिया पॉज मोड पे, रेड सिग्नल पे 120 सेकंड दिखा रहा है। चूतिया तू क्यों बजा रहा है? बट इसका रीजन ना मेरे को पता चल गया है, ये ना स्कूटी वालों की वजह से है। मैं बताता हूँ कि देखो, पूरी दुनिया के सारे गाड़ियों के लिए रेड सिग्नल मतलब रुकना है, पर स्कूटी वालों के लिए इट्स फकिंग डर्ट बाइकिंग टाइम। उनका मिशन इम्पॉसिबल चालू जाता है, टॉम क्रूज के चचा बन जाते हैं सारे के सारे। उनको लगता है ये ट्रैफिक नहीं, टाकेशी इस कासल का भूल भुलैया है, हमको पार करके कैसे भी फ्रंट लाइन में पहुंचना है, कार नहीं दीवारें हैं ये। इतने ओवर एक्साइटेड रहते हैं, एक स्कूटी वाले के सामने मारुति 800 आई, वो चढ़ा दिया, उसको लगा स्पीड ब्रेकर है। 800 वाला सोच रहा ओले तो नहीं पड़ रहे हैं, विंड स्क्रीन से टायर के निशान जा रहे हैं। एक चार बसों के बीच में फंस गया था, मौत का कुआं मार के निकला है वहां से, कांचों पे दरारें आ रही है बस के, वो सोच रहे हैं क्या चल रहा है। एक बार हम सारे ऐसे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, बिल्कुल सब परेशान है, ठीक है, मर्सिडीज वाला एसी में बैठ के उसका खून उबल रहा है कि कोई बढ़ क्यों नहीं रहा यार, और उसी बीच में स्कूटी वाला ये करके निकल गया। ठीक है, दोनों हाथ हैंडल में, एक हाथ फोन में, ये ठीक है। तुमने देखा होगा स्कूटी वालों का यहां तक कॉन्स्टेंट रहता है, रिजिड, ये हिलता है बस, ये ट्रैफिक के मरमेड होते हैं, ये गर्म तवे पे मक्खन माफे फिसल गया यार ये। अब बाकी सब सोच रहे कि इसको जगह कहां से मिला यार, ये दो एटम के बीच से निकल गया, क्या क्या चल रहा है इसका। मतलब चलाइए, हम इस देश के लिए कहा करते हैं, तुमने ज़रूर सुना होगा ये चीज़ कि इस देश में पिज़्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट में हो जाती है, लेकिन एम्बुलेंस का कोई पता नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा वाला स्कूटी पे है, एम्बुलेंस ट्रक के साइज़ का होता है। क्या सोच रहे थे, कंपेयर कर रहे थे जब तुम ये सब, गांजा खा लिए थे क्या सूंघने के बजाय? अरे गजब चक्कर है यार। और ये जब सारा कियोस चलता रहता है ना स्कूटी का, तो कार वाला पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ है, 4 बैचें निकल गई स्कूटी का, वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, चुक दुनिया दिख रही चलते हुए, मैं रुका हूँ बस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे कीप हॉन्किंग। ये मुझे पता है क्यों पता है, क्योंकि मेरा दोस्त सह रखा है, वो यहीं इसी ट्रैफिक में पला बड़ा है, वो इतना परेशान हो गया वो अमेरिका भाग गया ऑन साइट प्लेसमेंट लेके कि नहीं रहना यार यहाँ पे, वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके वो पूरा सेटल हुआ, ठीक है, वहाँ भी कार खरीद लिया और उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। फिर एक दिन वो US के ट्रैफिक में फंस गया, ठीक है, विच इज़ नॉट दैट फ्रीक्वेंट, इट्स रेयर, बट जैसे ही वो फंसा ना, उसको फील हुआ कि उसका हाथ ऐसा शेक करने लगा, हॉर्न की तरफ जाने लगा, कंट्रोल नहीं है, जा रहा है, एंड विद अ सेकंड इज लाइक पै 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 पै, एंड एवरीबॉडी गॉट मैड बिकॉज़ इट्स US, दे आर लाइक व्हाट द फक आर यू डूइंग मैन, व्हाट द हेल आर यू अप टू, सॉरी मैं आके है, एक फेक एक्सेंट वाला इंडियन भी था, वो चिल्ला रहा है खो रहा है साले, इधर ये पैर में सॉरी भाई, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। फॉर्चुनेटली द फ्रंट गाय वाज आल्सो एन इंडियन, ही वाज लाइक मेरे को पता है मेरे ब्रो को क्या बीमारी है, और इससे पहले कि पुलिस आ जाए मुझे मेरे ब्रो को बचाना पड़ेगा। सो ही रोल डाउन हिज विंडो, आई डोंट नो व्हाई आई डू दिस, दिस इज US, रोल डाउन हिज विंडो, सॉरी दिस साइड, थोड़ा खिड़की खोल के ऐसे मुंडी बाहर निकाला, इधर ये जा रहा है पै 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 पै, मुंडी बाहर निकाल के कहता है उड़ के जाएगा क्या भोसड़ी के,
And here this guy is like, ah bro, abhi gaali pada haath control mein aa gaya. Thank you so much. यही चल रहा है यार यहाँ पे. मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया ना स्कूटी से कि मैंने अपनी गाड़ी बेच के स्कूटी ले ली. ये सही है, फिर मैं भी ये मेरा ज़िंदगी भी बढ़िया. लेकिन फिर एक दिन मैं ज़िंदगी जब बढ़िया चल रही थी तो मैं टीवी देख रहा था, तो उस टीवी में एक बंदी मेरा ही वाला स्कूटी चलाते हुए ऐसे सामने आती है और कहती है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन. एंड आई एम लाइक, आई वाज हैविंग फन, तू सड़ा दी अभी. उस दिन मेरे को ये बात पता चली कि इंडिया में स्कूटी कंपनीज स्कूटी लड़कियों के लिए बना रहे हैं यार. हम जबरदस्ती चला रहे हैं, हमें अलाउड नहीं है चलाना. तो मैंने सोचा कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है इसका. तो पहले तो मेरे को लगा कि क्या पता स्कूटी हल्की होती है और इनको लगता है कि लड़कियां कमज़ोर. मेरे को नहीं लगता, उनको लगता है. मैं फेमिनिस्ट हूँ, ठीक है, मीटू फेंक के मत मार देना मेरे को, ठीक है. बट ऐसा नहीं हो सकता है, यू नो व्हाई? क्योंकि एक गाड़ी है हीरो स्प्लेंडर, वो एक्टिवा का आधा हल्का होता है. दो स्प्लेंडर मिलके एक एक्टिवा बनता है, ठीक है. मैंने आज तक किसी आंटी जी को स्प्लेंडर चलाते नहीं देखा कि आज काम पे जाएगी. मैं नहीं, स्प्लेंडर के एड में तुमने देखा होगा हमेशा एक गांव का लड़का होता है जो जैसे ही स्प्लेंडर पे चढ़ता है गांव में बिजली आ जाती है, डैम बन जाता है, सड़कें पक्की हो जाती हैं. मैंने कहा इतना ही सक्सेस चाहिए था तो रजनीगंधा खा लेता, सीधे महल पहुंचता शेरवानी पहन के, मुंह में रजनीगंधा. तो ये तो खैर नहीं हो सकता. तो मैंने और रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड आउट कि स्कूटी कंपनीज आर लाइक कि आगे ना गैप होता है तो आप साड़ी पहन के भी चला सकते हो, लहंगा स्कर्ट जो भी है. और मैं सोच रहा हूँ कि एक तो टू व्हीलर चलाना ऐसे ही खतरनाक, क्योंकि जब तुम टू व्हीलर चला रहे हो तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी टांगों के बीच में एक मशीन फंसा के औकात से 10 गुना स्पीड में भाग रहे हो बिना किसी प्रोटेक्शन के. और उस बीच में स्कूटी कंपनीज आ रहा है कि लड़कियों तुम ना अपने पैरों को शावरमा की तरह लपेट लो ताकि तुम्हारा ये मोशन खत्म हो जाए, अब फिर चलाओ स्कूटी, फिर मजा आएगा. मतलब अगली बार एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाले बात कर रहे हैं कि हाँ स्कूटी के साथ एक लाश मिली है, पैंट पहनी होती तो कूद के बच सकती थी लेकिन साड़ी का पल्लू चक्के में फंस गया. अगले दिन न्यूज में रिपोर्ट आ रही है, न्यू साड़ी बना मौत का सौदागर. पहन के मत चलाइए कभी, # लहंगा डेथ. कोई चीज जो तुम्हें मौत के और करीब ले जा रही है उसको तुम एडवर्टाइज कैसे कर सकते हो यार? ये तो वैसी बात होगी जब सती प्रथा चल रही थी तो कोई उसे रोकने के बजाय कोई कंपनी ऐसा सती बर्निंग चेयर्स निकालना चालू कर देती कि क्या पति के चिता पे बैठते समय आपको भी चुभती है पिछवाड़े में लकड़ी, ले आइए सती बर्निंग चेयर्स, अब 4 रंगों में उपलब्ध, रेड ब्लू पिंक एंड मैजेंटा पिंक. इट हैज एक्स्ट्रा कुशंस जिससे ये हर उम्र के लिए कंफर्टेबल है. तो डजंट मैटर कि बुढ़ा मर गया या जवान पति को आपने खुद मार दिया हो, बैठिए इसमें, जलिए, बहुत मजा आता है. इट हैज स्पेशल पोर्स जिसमें से ऐसा लोशन निकलेगा आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा एंड यू वोंट इवन फील योर बर्न एंड ऐसा कुछ ऐड आ जाए इसका. जब आप पूरे जल जाओगे तो ऐसा एक रॉकेट फुच से ऊपर जाएगा और फट के लिखा जाएगा, सुषमा वॉज हियर, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द बर्न. बढ़िया हो गया.